क्या कर रहे हो भाई? यार मैं ना टैक्स बचाने के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने सोच रहा हूँ। तो उसमें ना अप्लाई कर रहा था तो दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ग्रोथ का और डिविडेंड का। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सोचा सिक्का ही उछाल कर डिसीजन ले लेता हूँ। क्या कहते हो आदमी यार, ऐसे थोड़ी कोई डिसीजन लिए जाते हैं इन्वेस्टमेंट के। अरे तो क्या करूँ, तुम ही बताओ ना फिर। यार मनी नाइन देखो, वहाँ अच्छी सलाह मिलेगी आपको। अच्छा जी, मनी नाइन खोल लेता हूँ फिर तो। म्यूचुअल फंड्स के वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन के कई तरीके होते हैं। इन्हें इक्विटी या डेट में तो बांटा जा ही सकता है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स को ग्रोथ और डिविडेंड जैसे ऑप्शन में से भी एक का चुनाव करना होता है। और बहुत से इन्वेस्टर इसे लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि निवेश के लिए कौन सा ऑप्शन चुना जाए। कई तो गलत ऑप्शन भी चुन लेते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में डिविडेंड और ग्रोथ ऑप्शन होते क्या हैं। म्यूचुअल फंड्स में निवेशकों के लिए दो ऑप्शंस दिए हैं मोस्ट म्यूचुअल फंड्स ने। डिविडेंड ऑप्शन वो हैं जिनमें कि म्यूचुअल फंड जो भी इनकम इकट्ठी होती है वो डिविडेंड के स्वरूप में इन्वेस्टर्स को रेगुलरली देते रहते हैं, या तो क्वार्टरली बेसिस पर या छमाही बेसिस पर या साल में एक बार। और ग्रोथ ऑप्शन वो हैं जो कि एक्यूमुलेशन के लिए, क्योंकि जो भी निवेशक अपने पैसे डाल रहा है वो अपने पैसे की बढ़ोतरी चाहता है, तो उस जो भी उसकी आमदनी हुई है म्यूचुअल फंड की उसको देने की बजाय उसको म्यूचुअल फंड में निवेश वापस कर दिया जाता है। और वो ग्रोथ ऑप्शन में वो एनएवी जो होती है वो बढ़ती रहती है, तो उससे कंपाउंडिंग इफेक्ट प्राप्त होता है निवेशक। ग्रोथ ऑप्शन के तहत किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में हासिल मुनाफे को फिर से उसी स्कीम में निवेश कर दिया जाता है। इससे निवेशकों को कंपाउंडिंग का फायदा मिलता रहता है। दूसरी तरफ डिविडेंड ऑप्शन की बात करें तो इसके तहत जब किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में मुनाफा होता है तो निवेशकों को डिविडेंड यानी लाभांश दिया जाता है। अब ये समझते हैं कि दोनों ऑप्शन में होता क्या है। मान लीजिए कोई निवेशक एक्स किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के डिविडेंड प्लान के तहत 12 रुपए के एनएवी पर 10,000 यूनिट खरीदता है तो उसका कुल निवेश 1,20,000 रुपए होगा। एक साल बाद मान लीजिए उसके निवेश की कुल वैल्यू बढ़कर 1,80,000 रुपए हो जाती है तो एनएवी होगा 18 रुपए प्रति यूनिट। इस पर 4 रुपए प्रति यूनिट का डिविडेंड देने का ऐलान किया जाता है तो निवेशक को डिविडेंड के रूप में कुल 40,000 रुपए हासिल होंगे। लेकिन डिविडेंड देने पर स्कीम की एनएवी घटकर 14 रुपए प्रति यूनिट रह जाएगी। तो अब निवेशक के निवेश की फाइनल वैल्यू 1,40,000 रुपए ही होगी। दूसरी तरफ अगर किसी निवेशक एक्स ने इसी म्यूचुअल फंड की ग्रोथ स्कीम में पैसा लगाया होता तो एक साल बाद निवेश की कुल वैल्यू बढ़कर 1,80,000 रुपए हो जाती। लेकिन यहां किसी तरह का डिविडेंड नहीं देना है तो म्यूचुअल फंड की एनएवी अब भी 18 रुपए रहेगी। निवेश की फाइनल वैल्यू में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वो 1,80,000 रुपए ही रहेगी। अब सवाल उठता है कि आपके और मेरे जैसा कोई इन्वेस्टर ये कैसे समझे कि उसके लिए कौन सा प्लान सही है या कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको बता दें कि किसी निवेशक के लिए ये ऑप्शन चुनने के लिए सबसे बुनियादी बात यही है कि उसके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से कौन सा सोल्यूशन ज्यादा सूटेबल है। यानी कि आपको ये देखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, शॉर्ट टर्म का, मीडियम टर्म का या लॉन्ग टर्म का। अब तो देखिए, कई निवेशक ऐसे हैं जो रिटायर्ड हैं या जिनको रेगुलर अपनी आमदनी की जरूरत है, आय की जरूरत है अपने जीवन निर्वाह करने के लिए, उन लोगों के लिए डिविडेंड ऑप्शन अच्छे हो सकते हैं। और स्पेशली जब आप हाइब्रिड फंड्स में जा रहे हैं या इनकम फंड्स में जा रहे हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ पैसा फिक्स्ड इनकम में लगाया गया है, जहाँ पर रेगुलर आमदनी हो रही है, तो उसको निवेशक चाहते हैं कि हर तिमाही या छमाही बेसिस पर उनको मिलते रहे, तो उन लोगों के लिए अच्छा है। पर अगर कोई यंग निवेशक है, उसको आमदनी की जरूरत नहीं है, तो उसको ग्रोथ प्लान्स में जाना चाहिए। अगर आपके निवेश का प्राथमिक लक्ष्य रीइन्वेस्टमेंट से वेल्थ क्रिएट करना है तो यह ग्रोथ फंड में ज्यादा आसानी से होता है। डिविडेंड फंड में तो एनएवी कम हो जाती है तो इससे लॉन्ग टर्म में वेल्थ डेवलपमेंट की आपकी क्षमता कम हो जाती है। हालांकि इससे शॉर्ट टर्म का आपका गोल पूरा हो सकता है। टैक्स के लिहाज से देखें तो डिविडेंड और ग्रोथ ऑप्शन में भारी अंतर दिखता है। इक्विटी या डेट म्यूचुअल फंड के डिविडेंड ऑप्शन में निवेशकों से उनके इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स लिया जाता है।
वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ ऑप्शन में रिडेम्पशन के समय के मुताबिक शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। अब एक सवाल ये भी है कि अगर रंजीत जैसे किसी निवेशक ने गलती से डिविडेंड प्लान में निवेश कर दिया तो समझ आ जाने के बाद क्या उन्हें ग्रोथ प्लान में स्विच कर लेना चाहिए? मोस्ट जितनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, जो इक्विटी स्कीम्स हैं, वो डिविडेंड बहुत जल्दी नहीं दे रही हैं, ये मैंने देखा है, और साल में एक बार शायद डिविडेंड देती हैं। तो अगर उसको लगता है कि ये डिविडेंड उसने गलती से डाल दिया है, तो उसको जितना जल्दी चाहे, जितना जल्दी करे, उतना जल्दी ग्रोथ में शिफ्ट होगा, तो उसको कैपिटल गेन भी कम लगेगा और उसके बाद वो ग्रोथ में उसका अपना जो निवेश है उसका फायदा उठा सकता है। जितना डिले करेगा उतना उसको उसके कैपिटल गेन बढ़ता जाएगा, तो उसको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। समस्या ये है कि एमफी की परिभाषा के मुताबिक अगर किसी म्यूचुअल फंड की एक ही स्कीम में एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में स्विच किया जाता है तो उसे बिक्री यानी यूनिट्स का रिडेम्पशन माना जाएगा। ऐसे में अगर कोई निवेशक डिविडेंड प्लान से ग्रोथ में या ग्रोथ प्लान से डिविडेंड ऑप्शन में स्विच करता है तो उसे एग्जिट लोड और कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। इसलिए अब ये रंजीत जैसे निवेशकों को तय करना होगा कि इन सब खर्चों को देखते हुए आखिरकार उन्हें अपने यूनिट रिडीम करने हैं या डिविडेंड ऑप्शन में ही बने रहना है। कुल मिलाकर कहें तो ये बात याद रखनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए तो आपके लिए डिविडेंड ऑप्शन बेहतर है। इसमें आपको निवेश पर लिक्विडिटी का फायदा मिलेगा क्योंकि नियमित रूप से आपको निवेश का एक फिक्स परसेंटेज मिलता रहेगा। आपको ग्रोथ ऑप्शन तभी चुनना चाहिए जब आपको हर महीने या 3 महीने पर पैसे की जरूरत ना हो और आप चाहते हैं कि एक लंबे समय तक आपका पैसा लगातार बढ़ता रहे।